नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। दिल्ली हिंसा के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने मामला दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत आम आदमी पार्टी के निष्कासित पार्षद के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके साथ ही कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट इंडिया यानी PFI के साथ ताहिर के कथित संबंधों की भी जांच की जा रही है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली पुलिस ने ताहिर के भाई शाह आलम को भी हिरासत में लिया था। अंकित शर्मा की हत्या की जांच के दौरान शाह आलम के शामिल होने की भी बात सामने आई थी। वहीं रविवार को ताहिर हुसैन की सहायता करने वाले पिता पुत्र रियासत अली और लियाकत को भी कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया। रियासत अली को 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया और उसके पिता लियाकत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं हिंसा भड़काने के आरोपी तारिक रिजवी को जमानत मिल गई थी। आरोपी पिता पुत्र पर हिंसा के दौरान भीड़ की अगुवाई करने, इलाके में पथराव करने और पेट्रोल बम फेंकने के आरोप थे। गौरतलब है कि पुलिस ने 26 फरवरी को चांदबाग इलाके के नाले से अंकित शर्मा का शव बरामद किया था। उसके पिता रविंद्र कुमार ने ताहिर हुसैन पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। कई दिनों की तलाश के बावजूद भी ताहिर पुलिस के हाथ नहीं आ पा रहा था। बाद में उसे कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। ताहिर हुसैन ने पुलिस को बताया था कि हिंसा के बाद वह मुस्तफाबाद के नेहरू विहार इलाके में गया था। इसके बाद 2 दिन तक वह जाकिर नगर इलाके में तारिक के घर में छिपा था। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।